बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी गाइस। जो भी हुआ तुम्हें पता ही है, मेरा मन भी नहीं था गाइस व्लॉग डालने का, पर सबने मिलकर मेरे को बोला कि भाई निकू भाई व्लॉग डालो। तो दोस्तों, निकू ब्लॉग्स फाइनली इतने दिनों के बाद वापस आ चुके हैं अपने ब्लॉग्स को लेकर। और जो कुछ भी हुआ रिया के साथ, उस चीज का रीजन उन्होंने बताया कि ये सब कब हुआ, जब रिया का ये इंसिडेंट हुआ तो वो कहाँ पर थे, और सारी चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी है, आप खुद देखिए। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी गाइस। जो भी हुआ तुम्हें पता ही है, मेरा मन भी नहीं था गाइस व्लॉग डालने का, पर सबने मिलकर मेरे को बोला कि भाई निकू भाई व्लॉग डालो, ठीक हो जाओ, आपकी गैंग आपका वेट कर रही है। पापा ने, चाचा ने, सारी फैमिली ने मेरे को मिलकर बोला कि भाई निकू भाई व्लॉग डालो। तो गाइस मेरी तबीयत बहुत खराब थी, और जो भी हुआ ना गाइस, किसी की भी तबीयत बहुत खराब हो सकती है गाइस। जो भी हुआ ना भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ, कभी सोचा नहीं था भाई ये सब भी होगा हमारे साथ में। और अभी तक गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे होगा, क्या हो गया गाइस। मैं बैंगलोर गया था क्योंकि मम्मी के बाल झड़ रहे थे बहुत ज्यादा, ऑयल लेने गया था मम्मी के लिए, जो सर पे तेल लगाते हैं जिससे मम्मी के बाल वापस आ जाते हैं। गाइस मैं बैंगलोर जैसे ही गया ना भाई, वैसे ही मेरे को सब पता चला, और मैं घर वापस आया रात के 12 बजे। मैं तो गाइस बंद ही कर रहे थे व्लॉग डालने, पर अपनी गैंग वाले बहुत बोल रहे थे, और इतनी मतलब। खैर दोस्तों, जो भी हुआ रिया के साथ बहुत गलत हुआ, बट अभी तक भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।